दोस्तों, इस जनजाति की महिलाओं को पुरुषों से मार खाने में आता है मजा, यह सुनकर आप चौंक गए होंगे। पर हमारी इस दुनिया में आज भी आदिवासियों की अनेकों ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जिनमें होने वाले अजीबोगरीब परंपराओं को देखकर आपका सिर शर्म से नीचे झुक जाएगा, क्योंकि इनका व्यवहार आज भी हमारी धरती पर मौजूद लाखों साल पहले के आदि मानवों की तरह ही है। अब इस वीडियो के अंत में एक ऐसी आदिवासी जनजाति को देखने वाले हैं जिसने बेशर्मी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। नंबर 7, चिम्बू स्केलेटन। दोस्तों, इस समुदाय में रहने वाले मैक्सिमम लोग निर्वस्त्र होकर खुद को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं जिस कारण इनका शरीर कोई चलता फिरता कंकाल की तरह नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो वो शख्स लड़ाई से पहले ही इनकी शक्ल देखकर डर कर भाग जाता है। इस समुदाय के लोगों द्वारा महिलाओं को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये जब कभी भी मनोरंजन के लिए नाच गाना करते हैं तो उसमें महिलाएं शामिल नहीं होती। नंबर 6, दानी कबीला। दोस्तों, इंडोनेशिया में निवास करने वाली यह एक ऐसी जनजाति का कबीला है जहाँ किसी की मौत होने पर कबीला की महिलाओं की उंगलियां काट दी जाती है। यह सुनकर आप पूरी तरह से हिल गए होंगे, पर यह बेहद ही दुखद सत्य है। इस कबीले में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का निवास है जिनका मानना है कि घर की औरतों द्वारा अपनी उंगलियों के दान देने पर मरने वाला शख्स भूत बनकर उनके परिवार को परेशान नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि जिन महिलाओं की उंगलियां काटनी होती है उन्हें दर्द से बचाने के लिए उनकी उंगली को काटने से पहले कुछ घंटों के लिए कसकर बांध दिया जाता है ताकि वहां पर खून का प्रवाह रुक जाए। उसके बाद तेज धारदार हथियार से उस उंगली को नाखून सहित काट दिया जाता है। इस कबीले में कई ऐसी औरतें हैं जिनकी एक दो नहीं बल्कि कई उंगलियां काट दी गई है। दोस्तों, यह परंपरा महिलाओं के लिए बेहद ही कष्टदायक होती है, पर ये लोग इसका पालन आज भी भलीभांति करते हैं। नंबर 5, बैगा जनजाति। दोस्तों, इस जनजाति के लोग महिलाओं को उबलते हुए गर्म पानी से नहलाकर उनको पवित्र करते हैं और इसके पीछे का कारण जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि जनजाति के लोग अपनी अनोखी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और यदि जनजाति के परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो बाकी सदस्य तुरंत उस घर का त्याग कर नया घर बनाने के लिए नई जगह तलाशने लगते हैं। इनका मानना है कि परिवार के किसी भी सदस्य के मौत के पीछे कुल देवता का नाराज होना होता है और आगे जाकर कुल देवता की ये नाराजगी घर के किसी और सदस्य को न झेलनी पड़े, इसलिए ये लोग पुराने मकान में रहना छोड़ दूसरा ठिकाना तलाशने लगते हैं। इस समाज में महिलाओं को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और लड़के लड़कियों के प्रेम विवाह की भी आजादी होती है। पर अगर इस जनजाति की कोई लड़की अगर दोबारा विवाह करना चाहे तो सबसे पहले उसके ऊपर उबलते हुए गर्म पानी डालकर उसे पवित्र किया जाता है, जो लड़की के लिए क्षणिक समय के लिए ही सही पर कष्टदायक तो बहुत होता है। नंबर 4, मुहावक पिपुल। दोस्तों, इस जनजाति के लोगों को कोई भी आसानी से पहचान सकता है क्योंकि इनके सर पर उगे मुर्गे की कलगी की तरह ये बाल उन्हें एक अलग ही पहचान देते हैं। ये जितने अजीब दिखते हैं उसे कहीं ज्यादा ये खतरनाक होते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार जब ब्रिटिश राजकुमारी एक कैदी को पकड़ हथियारों से लैस अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रही थी, तभी उन पर इन जनजातियों की नजर पड़ गई और इनका पूरा समूह उन पर किसी शिकारी भेड़ियों की तरह टूट पड़ा और पल भर में ही सारे सैनिकों को मार गिराया। और जब एक आदिवासी राजकुमारी को मारने ही वाला होता है तो संयोग वश खूंखार कैदी उन्हें बचाकर वहां से लेकर भाग जाता है। दोस्तों, इन आदिवासियों के समूह का लीडर सदैव पुरुष ही बनता है, पर आप यह सुनकर चौंक जाओगे कि लीडर का चयन करने का अधिकार केवल और केवल महिलाओं के पास होता है, न कि पुरुषों के पास। नंबर 3, अतारो मडमैन। दोस्तों, इन आदिवासियों के खतरनाक और अजीबोगरीब परंपराओं के मालिक होने का अंदाजा आपको इनका रूप देखकर ही लग गया होगा, जो दिखने में किसी डरावने शैतान से कम नहीं लगते। दरअसल ये आदिवासी जब भी शिकार पर निकलते हैं या कोई इंसानी ताकत इन पर हमला करने की कोशिश करती है तो ये सबसे पहले अपने पूरे शरीर को कीचड़ में लपेटने के बाद अपने उंगलियों में नाखून के रूप में बड़े बड़े नुकीले बांस को लगा लेते हैं। और इनका लुक तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये अपने मुख पर डरावने मट्टी का मुखौटा पहनते हैं। ऐसा करने के पीछे इनका मानना है कि इनके स्वरूप को देखकर सब डर जाएंगे और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन्हें देख हमलावरों की हालत खराब हो जाती है और वे भाग खड़े होते हैं और जो नहीं भागते वो इनके जहरीले तीरों का आसान शिकार बन जाते हैं। नंबर 2, रामनामी ट्राइब। दोस्तों, आदिवासियों का नाम सुनते ही आपके मन में अर्धनग्न पुरुष और स्त्रियों का ख्याल आना शुरू हो जाता है, पर हम आपको जिस जनजाति के बारे में बताने वाले हैं जो होते तो अर्धनग्न ही हैं पर उनका पूरा शरीर भगवान राम के नाम से ढका रहता है।
आप ये सुनकर सोच में पड़ गए होंगे, पर हम आपको बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहने वाली यह आदिवासी अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए ऐसा करती है। हम आपको बता दें कि आज से करीब 100 साल पहले उस जाति के लोगों को इनके गंदे तरीके से रहने का तरीका बेहद ही नापसंद लगता था और इसीलिए उन्होंने इन्हें मंदिरों के आवागमन पर रोक लगा दिया और यह बात इनके दिल में इस कदर लगी कि अपने शरीर के हर एक हिस्से में राम नाम गुदवाकर खुद को ही मंदिर बना लिया और तब से लेकर अब तक ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। तथा जब इनके शरीर पर यह शब्द गुदवाया जाता है तो वह एक एक शब्द उनके लिए मौत के बराबर होता है। दोस्तों, हमारी दुनिया में एक ऐसी अनोखी जनजाति भी मौजूद है जहाँ की महिलाओं को शादी से पहले कोड़ों से मार खाना पड़ता है और जो ज्यादा देर तक इस दर्द को बर्दाश्त कर लेता है उसकी तुरंत शादी कर दी जाती है और जो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जिसके मुख से आसानी से चीख निकल जाती है उसकी शादी नहीं हो पाती। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी के लिए केवल महिलाओं को ही परीक्षा ली जाती है बल्कि पुरुषों को भी एक ऐसी अनोखी परीक्षा गुजरना पड़ता है जिसे करने के बाद हम और आप जैसे लोग शर्म से डूब मरेंगे। अगर आप इनके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करने के बाद आप इनसे जुड़ी हर बातों को गहराई से जान लेंगे। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसी ही अनेकों जनजातियां मौजूद है जो अपने ही लोगों तक को खा जाती है, जिनकी परंपराओं को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। और उन सभी आदिवासियों के बारे में जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।